कोरोना संकट काल में लोगों को भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में गरीब लोगों व सड़कों पर बेसहारा लोगों के लिए बीमारी का इलाज तो मात्र सपने की बातें बनकर रह गई हैं। धनवान लोग बिना इलाज के काल का ग्रास बन चुके हैं, तो ऐसे में गरीब बेसहारा लोगों को सिर्फ और सिर्फ धक्के या मौत का इंतजार करना ही बचा है। इन विषम परिस्थितियों में जब कोई अपने परिजनों के शरीर को छूने से भाग रहा है, तो इन दिन दुखियों की दवाइयां मरहम पट्टी की सेवा के लिए सामने आए दिल्ली के श्री राजमाता मंदिर ट्रस्ट के स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, जो प्रतिदिन स्वयं शिष्य मंडल के साथ दोपहर को गाड़ियों में सड़कों पर बेसहारा लोगों के लिए खाना पानी के अलावा अति महत्वपूर्ण सेवा दवाइयां व असहाय महसूस कर रहे जख्मी लोगों के लिए मरहम पट्टी व मेडिकल सहायक लेकर निकलते हैं। स्वामी राजेश्वरानंद जी बिना अपनी जान की परवाह किए किसी भी जख्मी व्यक्ति की मरहम पट्टी अपने हाथों से करते हैं। इस संदर्भ में स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि आज विषम परिस्थितियों में अगर अपने परिवार के किसी सदस्य की हालत खराब हो जाएगी तो उसकी सेवा सहयोग करेंगे या नहीं। ठीक ऐसे ही वसुदेव कुटुम्ब विचारधारा के अधीन मुझको लगता है कि यह सब लोग मेरे परिवार के ही सदस्य तो हैं। इनके दुख कष्ट मेरे लिए असहनीय पीड़ा बन जाते हैं, तो इनकी सेवा परिजन के रूप में ही कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।